मैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म मीन्स जो आप हम लोग पहले मैग्नेट के बारे में जानते हैं, बार मैग्नेट, आयरन मैग्नेट, और जो मटेरियल के हिसाब से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लाइक अर्थ इज ऑल्सो एन मैग्नेट। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लासिक मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेटिज्म। होता क्या है कि करंट के फ्लो करने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और दैट फील्ड हैविंग एन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो वह उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हुआ क्या कि एक सपोज अगर एक कंडक्टर हम लोगों ने लिया, दिस इज ए कंडक्टर वायर, और उसमें एक करंट हम लोगों ने आई करंट फ्लो करा दी। कंडक्टर पे हमने क्या किया, आई करंट फ्लो करा दिया। आई करंट फ्लो कराने के बाद यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई चार्ज रख दिया है, कोई चार्ज रख दिया है, चार्ज स्टैटिक है, चार्ज हिल नहीं रहा है, और ये चार्ज को अगर हमने रखा है तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर? क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज है, और स्टैटिक चार्ज है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्टैटिक चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। जब करंट, अगर हम लोग मान लें एक छोटा सा टुकड़ा इसमें ले रहे हैं, अगर दिस सेगमेंट इफ करंट स्टार्ट यहाँ से पास करना शुरू करता है, ओके, तो जितना चार्ज इनपुट हो रहा है, द चार्ज फ्लो इज करंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। मान लिया सपोज दैट जितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, इनपुट हो रहा है, उतना ही चार्ज ये निकल भी जा रहा है, आउटपुट हो जा रहा है। इसका मतलब नेट चार्ज यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज इज जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो है मीन्स देर इज नो इफेक्टिव चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज बचता नहीं है, सारा चार्ज निकल जाता है, जितना इनपुट होता है उतना ही चार्ज बाहर निकल जा रहा है। तो अगर चार्ज यहाँ पर है नहीं तो कोई इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नहीं, कोई फील्ड नहीं बनेगी, कोई फील्ड नहीं बनेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो देट विल नो फोर्सेस, है ना, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एफ ई वुड बी जीरो, ठीक है, एफ ई वुड बी जीरो। लेकिन हुआ क्या कि ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, बेसिकली ऑस्टेड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया कि वो बैठे हुए थे अपने, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान उन्होंने देखा कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर पे उन्होंने क्या किया कि करंट दिया, कंडक्टर पे करंट दिया, ठीक है, दिया, करंट फ्लो कर रही थी, पास में उसके उन्होंने चार्ज रख दिया, चार्ज रख दिया, नो इशू, चार्ज में पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, चार्ज एज इट इज था। बट जैसे उन्होंने क्या किया कि इस चार्ज को कुछ स्पीड दे दिया, कुछ वेलोसिटी दे दी, उन्होंने इस चार्ज को गति में ला दिया, चार्ज को मूव करा दिया, चार्ज को क्या किया, मूव करा दिया। जैसे इन्होंने चार्ज को मूव कराया, चार्ज गति में आ गया, चार्ज में को गति में आने के बाद ये चार्ज जो है इट्स मूव लाइक दिस, मतलब मूव टुवर्ड द वायर, ये इस तरीके से वो चार्ज मूव कर गया। चार्ज जैसे गति में आया क्या हुआ, चार्ज मूव कर गया, ठीक है, टुवर्ड्स द वायर। देन उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है नहीं, अगर चार्ज मूव कर रहा है देन इट्स एक्सपीरियंस सम फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो वो मूव कर गया, खुद से तो वो मूव करेगा नहीं। एंड व्हाट इज द काउज ऑफ दैट फोर्स, उनको उनके दिमाग में आया कि व्हाट इज द काउज ऑफ दैट फोर्स। देन व्हाट ही थॉट कि अब इसको देखा जाए, देन ही टेकन कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को उस वायर के पास रख दिया, ठीक है, उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और एक वायर को कनेक्ट कर दिया, एंड ही ट्राइड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास को रखा, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को उन्होंने जैसे रखा, व्हेन ही कनेक्टेड द स्विच, मतलब इसमें करंट फ्लो हो गई, करंट फ्लो होने के बाद उन्होंने पाया कि दैट कंपास डिफ्लेक्ट्स, दैट कंपास डिफ्लेक्ट, जो उन्होंने रखा था वो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। अगर कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास है, इट मीन्स देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, देयर मे बी चांसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो निश्चित है कि वो फोर्स लगा रहा है, और इस चार्ज को, जो चार्ज मूव कर रहा है, जो मूविंग चार्ज है, उसको वो फोर्स टुवर्ड्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स अपने तरफ लगा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किया, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ही केप्ट एट द सेवरल
प्लेसेस, सब जगह उन्होंने रखा और उन्होंने देखा कि देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ, देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल्स व्हेन करंट फ्लोज, ठीक है, इन कंडक्टर, जैसे कंडक्टिंग में, कंडक्टर में करंट फ्लोज कर रहा है तो देर इज डिफ्लेक्शन ऑन नीडल, ठीक है, और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट्स नॉट डिफ्लेक्टिंग, इट्स स्टिल, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. देन ही ऑब्जर्व एंड ये हिज ऑब्जर्वेशन, ऑस्टर्ड जो साइंटिस्ट हैं आपके, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, मोर ओवर दैट वॉज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने पाया, इन्होंने पाने के बाद देन ही गिवन द आइडियाज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का आइडियाज जनरेट हुआ, किस केस में, किस सिचुएशन में, सिचुएशन ये है कि जब किसी कंडक्टर पे कोई करंट फ्लो कर रहा है देन इट इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स करता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इट्स फॉर्म इन अ सर्कुलर, ठीक है, अगर इसको एक्सियल मान लिया जाए, इफ इट इज दिस कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक एन एक्सिस, ठीक है, एक्सियल माना जाए तो इसके चारों तरफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियली जो है ये सर्कुलर वे में फॉर्म करता है, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, मतलब अगर ये कंडक्टर है तो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मीन्स अगर हम लोग इसको देखें तो अगर ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर होगा लाइक दिस, ठीक, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो ये जो डायरेक्शन है वो हमारा ऑलवेज यू विल फाइंड द टेंजेंशियल टू द प्लेन, प्लेन से हमेशा टेंजेंशियल होगा, ठीक है, दिस इज व्हाट द ऑस्टर्ड सेड. तो उन्होंने यहाँ पर तो दे दिया, इन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तो होता है जो चार्ज करंट किसी कंडक्टर में पास करता है, किसी कंडक्टर थ्रू करंट फ्लो करता है, देयर इज इफेक्ट ऑफ, और दैट इज देयर इज जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. उसके बाद अब भाई फील्ड है तो कैलकुलेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, इसके इफेक्ट होंगे, इफेक्ट फोर्सेस होंगे, दैट फर्दर कैलकुलेशन करना होगा. यहाँ के बाद क्या हुआ ना कि ऑस्टर्ड ने बंद कर दिया काम, मतलब ऑस्टर्ड बेसिकली इस फील्ड के आदमी नहीं थे, ही ऑब्जर्व एंड फर्दर जो है इसके बाद ऑस्टर्ड ऑस्टर्ड का प्रोग्राम इस पे खत्म हुआ यहाँ पर, और तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब इसको आगे बढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड का क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या होगा, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शन फॉर्मूला एंड ऑल दोस, ठीक है. वो तीन जो साइंटिस्ट थे वो थे बायोट, सेवर्ड एंड लैपलासे, लैपलासे कौन कौन थे, बायोट, सेवर्ड एंड लैपलासे, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने मिलकर के मैग्नेटिक फील्ड पे काम करना शुरू किया, सो दैट कि ही मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इस पे इन्होंने काम शुरू किया, इन और काम शुरू किया, बाद में क्या हुआ कि ये जो लैपलासे थे ये हट गए, इनको हटा दिया गया और सिर्फ बायोट और सेवर्ट बन गए, बायोट और सेवर्ट रह गए, और बायोट सेवर्ट के नाम से एक लॉ बन गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देता है, और उन्होंने इसको हम लोग पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, ये हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, ठीक है. तो शुरू करते हैं बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया कि एक लंबा सा वायर लिया, लंबा सा वायर मतलब बहुत ज्यादा लंबा वायर, ठीक है, लंबा सा वायर मतलब बहुत ज्यादा लंबा वायर इन्होंने ले लिया, और ये लंबे से तार को के चलते किसी पॉइंट पे अगर, किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस तार पे अगर हमारा आई करंट बह रहा है, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट पी, सपोज दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन्होंने सोचा कैसे निकाला जाए, गिवन द फॉर्मूला। इन्होंने क्या किया कि भाई तार बहुत लंबा हो सकता है, तार अगर बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लार्ज हो सकता है, तार मुड़ा हुआ हो सकता है, कहीं पर 2-3 फोल्ड ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, बहुत सारा कंडीशन इसके साथ हो सकता है। अगर ये कंडीशन रहा तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया वायर का, ठीक है, अगर ये एल लेंथ की वायर है तो इन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका नाम रख दिया डीएल, छोटा सा टुकड़ा एल लेंथ की वायर का, डीएल लेंथ का, ठीक है, इन्होंने डीएल लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर रखा और इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज द सेम करंट आई जो कि इस वायर में फ्लो कर रहा था। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस छोटे से टुकड़े को उन्होंने कहा एक करंट सेगमेंट मान लिया, इन्होंने क्या कहा करंट सेगमेंट, और इसको इन्होंने कहा करंट एलिमेंट, क्या कहा करंट एलिमेंट। एंड दैट करंट एलिमेंट, चूंकि करंट हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, दिस लेंथ इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा एक करंट एलिमेंट है जो कि किसके बराबर होगा आई इंटू डीएल, किसके बराबर होगा आई इंटू डीएल, ठीक है, आई डीएल के बराबर होगा। और उन्होंने ये मान लिया कि भाई ऐसा है कि ये करंट एलिमेंट जो है ये वेक्टर है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इन्होंने ये मान लिया ये करंट एलिमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इन्होंने मान लिया बेसिकली कुछ बहुत सारी चीजों में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने एरिया को वेक्टर माना था, एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन दिखाया था, लाइकवाइज लेंथ को भी हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज में कंसिडर किया है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉट करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट के टर्म्स में हम लोगों ने इसको वेक्टर उन्होंने मान लिया, भाई लॉ बनाया उन्होंने, लॉ लॉ पे ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर नहीं सकते क्योंकि लॉ है भाई, एक बार लॉ बन गया। तो ये हमारा आइडियल क्या हो गया करंट एलिमेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्दर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट अगर हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ द करंट एलिमेंट वुड बी आइडियल एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट भी हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई अब उन्होंने किस तरीके से इसको निकाला, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि छोटे से टुकड़े को लिया मैंने केबल को, डीएल लेंथ के केबल को लिया, तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान ले थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे बी से, किस चीज से डिनोट करेंगे बी से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट क्या है टेस्ला, ठीक है, इसको हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं और करते ही हैं। और दूसरा अगर हम लोग सीजीएस में बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है, सीजीएस यूनिट इसकी होती है, क्या होती है सीजीएस यूनिट, गॉस, गॉस होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^-4 गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^-4 गॉस, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी जानकारी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला, ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, और सीजी यूनिट क्या होता है गॉस होता है, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^-4 गॉस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई बायोट सेवर्ट ने कहा क्या, बायोट सेवर्ट ने कहा क्या, इन्होंने करंट एलिमेंट तो ले लिया, ठीक है, अब बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो इस डीएल लेंथ के चलते, इस डीएल लेंथ के चलते जिसको हम लोगों ने क्या माना है करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट के चलते कोई मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो अगर डीबी है, अगर डीबी है, ठीक है, डीबी लगेगा, अगर बी होता तो फुल हो जाता, मतलब पूरे वायर के लिए क्या हो जाएगा बी, लेकिन इसके लिए क्या है डीबी है, ठीक है, अगर ये डीबी है तो उन्होंने कहा कि दिस डीबी इज, अगर ये इन्होंने ये अगर हमारा करंट एलिमेंट यहां से हम लोगों ने पकड़ लिया है तो ये करंट एलिमेंट का जो
ये जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज आर, सपोज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज आर, ठीक है, ये डिस्टेंस करंट एलिमेंट का हम थोड़ा सा हम लोग वी कैन टेक ऊपर ले लेते हैं, या फिर इसको पॉइंट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बेटर, मतलब अगर यहाँ किसी पॉइंट को ले लेते हैं, ओके कोई दिक्कत, या ठीक है इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ पर किसी पॉइंट को ले रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा करंट एलिमेंट है, तो ये इसको अगर हम लोगों ने करंट एलिमेंट मान लिया है, दिस इज गोइंग टू बी करंट एलिमेंट, ओके, ये हमारा सपोज डीएल है एंड दिस आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, तो अगर ये इस पोजिशन में हमें क्या करना है, दिस इज अ डी वी, वी हैव टू फाइंड आउट द डी वी, ठीक है, दिस इज द बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट, वो छोटा सा है, ठीक है, वहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर पी पॉइंट पे है, और ये डिस्टेंस अगर आर है, ये डिस्टेंस अगर आर है, तो बैट साहब ने बोला कि दिस डी बी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, आई डी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई और डी एल कंपोनेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये एंगल और आइडियल के बीच में, आर और आइडियल के बीच में जो एंगल बन रही है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ दैट थीटा, ओके, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस आर एंड आइडियल, ठीक है, ये आइडियल और आर के बीच में का एंगल, ठीक है, साइन थीटा, फर्दर उन्होंने कहा कि दिस डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स, दिस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन बाई आर स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड डीएल, एंड दैट इज डिनोटेड बाई आर, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग इसको कंबाइन कर दें तो डी बी वुड बी इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसमें म्यू क्या है, जैसा हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ओके था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, जो हम लोग लेते थे कूलम्स लॉ वगैरह में यूज किया था हम लोगों ने बहुत जम के, एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट एप्सिलॉन वाज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द ओपन स्पेस, लाइक वाइज दैट इज अ परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एट ओपन स्पेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द परमीबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एट ओपन स्पेस, ओके, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो म्यू नॉट बाई फोर, हियर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10^-7, ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डीबी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होगा, वी कैन डू द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, तो अगर हम लोग इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, वी कैन मल्टीप्लाई इट थ्रू यूनिट वेक्टर, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है, आई डी एल, ठीक है, क्रॉस आर, अगर ऊपर नीचे अगर हम लोग करेंगे तो आर बार, ठीक है, आर नीचे लिख सकते हैं हम लोग, आर नीचे, नीचे आर
क्यू. सो वी कैन राइट हियर आइडियल क्रॉस आर बाय आर क्यू, है ना. अगर आइडियल लिखते हैं तो डीएल आइडियल क्रॉस आर वुड बी गिव यू आइडियल साइन थीटा, आइडियल क्रॉस आर विल गिव यू द आइडियल साइन थीटा. ठीक है, दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ. ठीक है, तो दिस इज द बायट सेवर्ट लॉ. बायट सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसको समझा कि हाउ टू हाउ द फॉर्मूला हैज बिन गिवन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नाउ वी विल सी द अप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट लॉ. ठीक है, अब हम लोग इसको अप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास जैसे स्ट्रेट वायर है, लूप है, सर्कुलर लूप है, तो हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस, अप्लाइंग दिस बायट सेवर्ट लॉ. बेसिकली देर इज टू लॉज विच इज बींग यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. दो दो लॉज हैं, एक बायट सेवर्ट लॉ और दूसरा एम्पेरियन सर्किटल लॉ. क्या है एम्पेरियन सर्किटल लॉ, तो उसको भी हम लोग देखेंगे. पहले बायट सेवर्ट लॉ और इसका अप्लीकेशन देखते हैं. फर्दर वी आर गोइंग टू डिफाइन द फोर्स, इसका इफेक्ट जो है फोर्स, फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी विल सी द एम्पेरियन लूप. मतलब अगर कोई पतला वायर है, बहुत ज्यादा पतला वायर है, थिन वायर है, तो वहां पर तो बायो सेवर्ट लॉ काम करता है. लेकिन अगर कंडक्टर थोड़ा सा भी मोटा हो गया, देयर वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग दिस. ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को एम्पेरियन, अगर हमें सरफेस पे कैलकुलेट करना होता है तो इन दैट केस एम्पेरियंस सर्किटल लॉ हम लोग अपनाएंगे सर. तो हम लोग देखते हैं इसको. ठीक है, अच्छा अभी ये हमारा डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, व्हाट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एज वी नो दैट अगर वेक्टर क्वांटिटी है देयर मस्ट बी डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होगा. ठीक है, और ये डायरेक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी विल सी. चलिए हम लोग देखते हैं इसको डायरेक्शन कैसे करते हैं. ओके, अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन की, तो दो डायरेक्शन हमारा होता है इसके लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए. एक तो अगर हम लोग बात करें या किसी डायरेक्शन के लिए, तो आपको याद होगा राइट क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट याद है. चलिए क्या होता था क्रॉस प्रोडक्ट में, सपोज अगर हमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन वेक्टर ए, वेक्टर बी, देन व्हाट इफ ए क्रॉस बी, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी. ठीक है, सी का डायरेक्शन क्या होता था ध्यान में होगा, हम लोग इसको किस तरीके से करते थे. सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी. तो हमारा तरीका क्या होता था, सिंपली वी आर टेकिंग द राइट हैंड, हम लोग पाम रखते हैं इसको यहाँ पर लाइक दिस. ठीक है, रखने के बाद वी आर फोल्डिंग लाइक दिस, मीन्स ए पर हमने रखा ए क्रॉस बी एंड वी हैव फोल्डेड आवर फिंगर इन दिस डायरेक्शन लाइक बी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी, इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ सी, मीन्स ए क्रॉस बी गिव द डायरेक्शन ऑफ सी. सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ सी. ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो सी का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर है. ठीक है, अगर सेम थिंग अगर हमें बी क्रॉस ए करना होता, दिस इज द सिचुएशन एंड वी हैव टू फाइंड द बी क्रॉस ए, ओके, देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, तो हम लोगों को वी कैन पुट आवर पाम लाइक दिस एट बी एंड क्रॉस ए वी हैव टू फोल्ड आवर फिंगर्स टूवर्ड्स लाइक दिस, ओके, टूवर्ड्स बी. सो this will show you the a sorry in this case this will show you the b and this will show you the a and the thumb it's going inside, it's going inside the plane, so this is the direction of c. okay, to ye hamara kya tha, cross product of
द वेक्टर, दो वेक्टर अक्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग जानते हैं कि व्हेन वी से कि अगर इट्स टुवर्ड्स या इनसाइड, ठीक है, अगर अंदर की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, इफ इट डायरेक्शन इज टुवर्ड द प्लेन, तो हम लोग इसे डिनोट करेंगे क्रॉस से। डिनोट करते हैं किसे, डिनोट करते हैं क्रॉस से, लाइक एन एरो, एक तीर जो होता है, तीर को अगर हम लोग देखते हैं कि तीर हमारे तरफ से दूर जा रहा है या अंदर जा रहा है, तो वी आर सीइंग द बैक ऑफ द एरो। बैक ऑफ द एरो कैसा होता है, क्रॉस होता है। और अगर तीर हमारी तरफ आ रहा है देन देयर इज द पॉइंट ऑफ द एरो, ठीक है, और वो पॉइंट हमारा क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। डॉट हमारा क्या दिख रहा है, आउटवर्ड, और दिस क्रॉस सो इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन, क्योंकि प्लेन लेके चलते हैं हम लोग को सारा आइए आउटवर्ड टू द प्लेन, ओके। और अगर आप लोग पेपर पे कर रहे हैं तो यू कैन से इनवर्ड टू द पेपर और आउटवर्ड टू द पेपर, ठीक है, पेपर और सरफेस जो कर ले। तो यहां पर हम लोग डीवी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। सो अगर हम लोग बात करें आइडियल क्रॉस आर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कैसे कर सकते हैं, वी हैव, वी कैन पुट आवर हैंड लाइक दिस, ओके, आई क्रॉस आर, तो क्या करेंगे, आर पे हमने रखा, ओके, अगर हमने आर पे रखा, आर पे हमने रखा, इफ वी आर पे रखा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द आई, आई पे रखते हैं फर्स्ट, ओके, एंड वी फोल्ड इट टुवर्ड द आर, आई फोल्ड इट टुवर्ड द आर, ये आर एंड दिस पोर्शन, दिस इज आई एंड दिस इज आर, एंड द थंब गोज टुवर्ड द डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन, तो ये हमारा थंब का डायरेक्शन होगा। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इफ द करंट का डायरेक्शन अगर हमारा उल्टा हो जाए, अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए, या सपोज हम लोग इस पॉइंट पर ले रहे हैं, ओके, अगर हम लोग इस पॉइंट पर लेते हैं, देन ट्राई क्या हो सकता है, अगर इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये, तो करंट के डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन पे हम लोग पाम को ले जाएंगे, हम लोग लेके गए पाम को करंट के डायरेक्शन में, देन करंट के डायरेक्शन में हम लोगों ने पाम को रखा, देन वी फोल्ड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ आर, अगर दिस इज अ आर, हम लोगों ने फिंगर को आर की तरफ पॉइंट किया, एंड व्हाट वी आर सीइंग, द थंब इज आउटवर्ड टू द प्लेन, थंब डायरेक्शन ऑफ थंब इज आउटवर्ड टू द प्लेन, तो हियर यू विल फाइंड द डीबी इज आउटसाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड टू द प्लेन। तो दिस इज वन ऑफ द रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का जो हम लोगों का रूल था, जो हम लोगों ने वेक्टर में देखा था, सेम वी कैन अप्लाई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देर इज वन मोर रूल विच यू कैन अप्लाई, सिंपल राइट हैंड पाम रूल, आसान सा रूल है, इससे भी आपको डायरेक्शन का पता चलेगा। सपोज अगर हम लोग का ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, और सपोज आई करंट, छोटा सा सेगमेंट डीएल लिया हम लोगों ने, और ये दिस इज एन आर, तो राइट हैंड पाम रूल। तो इस केस में क्या करते हैं कि वी आर टेकिंग आवर थम, थम को हम लोग क्या करते हैं, वी आर पुटिंग थम टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग थम को लेते हैं, एंड सपोज दिस इज द डिस्टेंस, उसके ऊपर हम लोगों ने, डिस्टेंस पे हम लोगों ने पाम को रखा, एंड देन वी फोल्ड टुवर्ड्स द पाम। तो इस केस में क्या हुआ, हमने करंट को करंट पे क्या रखा, थम रखा, थम रख पे हम लोगों ने पाम रखा आर पे, देन वी फोल्डेड लाइक दिस, हम लोगों ने फोल्डेड फोल्ड किया, तो व्हाट हैपेंड, व्हेन वी फोल्डेड, इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस टुवर्ड द प्लेन, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं, सपोज करंट का डायरेक्शन ये हो जाता है, देन हाउ वी आर गोइंग टू रिज्यूम, देखना भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वी आर पुटिंग आवर थम टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है,
रखा हमने, अभी आर के तरफ हैंड, देन वी फोल्ड, ठीक है। अगर हमने फोल्ड किया, व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस इज द आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन मीन्स इन दिस केस द डीवी इज आउटवर्ड टू द प्लेन, सो हम लोग डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी इन दिस केस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी इन दिस सिचुएशन व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लाइक दिस इज द वे वी आर एबल टू कैलकुलेट फील्ड को, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये फील्ड के डायरेक्शन को, दिस बाय यूजिंग दिस टू मेथड, ठीक है। ओके नाउ वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग।